आज हम ट्राई करने वाले इंडिया की पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी। हमने भाई काफी अजीबो गरीब गाड़ियां ट्राई कर रखी है। इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर, वर्ल्ड की पहली कलर चेंजिंग कार, बढ़िया वाली काफी ज्यादा लगी। माइनस जीरो करके एक कंपनी है बैंगलोर में, उन्होंने पूरी सेल्फ ड्राइविंग कार बना रखी है और हमारी टीम भाई अपने बस्ते बांध लिए, सब रेडी हो चुके हैं। मैं जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बट उस टाइम पे भाई मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। हम घर से काम कर रहे थे, हमें जब भागते भागते फ्लाइट पकड़ने की आदत हो गई भाई, हमारी फ्लाइट मिस हो गई। लेट तो हो गए, सारी मेहनत पानी में ना चली जाए भाई, फ्लाइट का भी जुगाड़ तो कुछ ना कुछ चल रही। हम सीधा पहुंच चुके हैं माइनस जीरो के ऑफिस के अंदर। दिमाग तो है बट उनको सिखाना पड़ता है, वो एकदम ऐसे पैदा हुए बच्चे तो इसी बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो आपको सारे नोड का डेटा फीड करना होता है, गाय यहाँ से आ सकती है, कुत्ता आ जा सकता है। इसके बाद इसके अंदर दिमाग आता है और कहीं भी सड़कों पे जूम भाई, यहाँ हमने टाइप किया बोर्ड इन चाइना, दो फरारी और इसने इमेज बना दी, बोर्ड पे चाइनीज में लिखा हुआ और एक क्या फरारी है। ये है इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव कैमरास, काफी ज्यादा पावरफुल है भाई, आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन ये छोटा सा डिवाइस है, पूरा कंप्यूटर है और इसी वजह से इस गाड़ी का एआई सिस्टम पूरा वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें जो लगे हुए कैमरा, उनकी पूरी रोड से छोटी छोटी डिटेल वो कैप्चर करते हैं और रियल टाइम में उसको एनालाइज करके डिसीजन बनाते हैं। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं वो सड़क पे चलती हुई गाड़ियों और इंसान को अफेक्ट करती है। हम लोग फाइनली रिपोर्ट देखने पहुँच गए। ऐसा लग रहा 2050 का ई रिक्शा है। मुझे लगा था सोलर पैनल लगे, बिजली से चार्ज होती, बिजली से चलती बॉडी, इतनी कार्बन फाइबर की बनी है, काफी रफ टफ सा फील है और एक प्लास्टिक है, काफी हार्ड होता है और काफी सिमेट्रिकल का डिजाइन है, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। स्टीयरिंग क्वालिटी भी जबरदस्त है, ट्यूबलेस है। यहाँ पे 3 सोनी के कैमरेज लगा रखे हैं, 3 आगे हैं, 3 पीछे हैं, टोटल 6 कैमरा। नीचे जी बोर्ड का लोगो है, उसके नीचे इंडिकेटर लाइट है, पर दूसरे साइड से भी एग्जैक्ट सेम। ऊपर 2 जीपीएस, पीछे के साइड इसमें माइनस 0 लिखा है। फुल वाइज आप बताओ क्या सफर रहा है? और जब गाड़ी चल रही है रिपोर्ट को सामने क्या दिख रहा है वो स्क्रीन में दिख जाता है। ये कैप्चरिंग की टैब है, लेग स्पेस भी बहुत ज्यादा है, मैं भी बैठा हूँ, जसकीत भी बैठे हैं और उसके बाद भी बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। बस सोचो ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी है ऐसे खुला बीच में, तो कोई भी ऐसे चलता फिरता है बीच में ऐसे छलांगा। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो भाई देखने के लिए आंखें चाहिए होती है, सुनने के लिए कान और रिएक्शन के लिए हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल होता है। गाड़ी के पास कुछ नहीं है, इसीलिए जो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां होती हैं उनमें अलग अलग तरीके के सेंसर लगाते हैं उनके नाक कान बनाने के लिए। जो सॉफ्टवेयर है वो सारे सेंसर इनपुट्स प्रोसेस करता है, एक्सेलरेटर, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग सब कुछ कंट्रोल है। लेकिन इस जीपॉड के अंदर बस कैमरा सेंसर, जो नई साइट है इन्होंने यहाँ पे टेस्टिंग नहीं कर रखी है तो यहाँ पे ऑटोनोमस नहीं चल पा रही, बट इससे ये पता चलता है कि भाई नए एनवायरमेंट के लिए गाड़ियां सही नहीं है अभी। बट हार अभी हुई नहीं है भाई, रिमोट से चल सकती है। लेट्स गो भाई, कर दो काम भाई। रिमोट फाइनली मिल गया, फोन करने जा रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है भाई दुनिया का सबसे बड़ा आरसी कार है भाई ये, और रिस्पांस टाइम भी बहुत तगड़ा है इसका। भाई मैंने अभी इसको ऐसे करा अचानक से ऐसे, ये इतनी स्मार्ट है कि इसको लगा कि गलती से थ्रॉटल फुल हो गया होगा तो चली ही नहीं गाड़ी। अब मैं इसको आराम से करूँगा। तेज भी हो गई शिट भाई। मैं और रिस्क नहीं ले रहा भाई।
ये हमसे बात करते करते चला रहे हैं, आगे कुछ नहीं है भाई, साथ में बात भी कर रहे हैं कुछ नहीं है यार। इससे हमें समझ आता है कि क्यों जरूरी है ऑटोनोमस व्हीकल्स की, क्योंकि ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं। ये सारी चीजें बढ़िया है, बट ई रिक्शा को टक्कर दे पाएगी नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। हाय आचू, यहाँ आए अपनी गाड़ी फुर्तीली रफ्तार। इसको भाई रिमोट से भी चला सकते हो, 50 रुपए दे दूंगा भैया चला देंगे। भाई ये खुद रास्ता बता देती है, रास्ता किसी रास्ते में पूछ लेंगे यार। इसमें 360 व्यू देख सकते हो। अरे इसमें भी 360 देख सकते हैं भाई। भाई इसमें रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आगे पीछे कहीं से भी चला लो। इसमें भी रिवर्स है भाई। और भाई आगे को बहुत तेज भगती है भाई भाई उस साइड भी आ गई है। अभी ना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीच वाली जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें आपका स्टेयरिंग व्हील भी होता है और सामने आपको दिख रही है कि गाड़ी में टूट जाएगी, तो आप थोड़ा भाई स्टेयरिंग